ब्रोशर्स दिखाकर बेवकूफ बनाया ना तुमने मुझे। हाँ क्या कहा था, अच्छी होटल है, बाबा आदम के जमाने की होटल लग रही है। हमारी एनिवर्सरी के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिली तुम्हें? मैम आप एक दिन रुक के देखिए, आपको जाने का दिल नहीं करेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ राशि, मैंने इनके होटल की मेहमान नवाजी के बारे में बहुत सुना है, यहाँ तक आ गए तो एक आध दिन रुक के देख लेते हैं ना। मेहमान नवाजी माय फुट, मैं यहाँ सिर्फ पार्टी के लिए आई, गेट इट राशि? एक्सक्यूज मी, आज कॉस्ट्यूम पार्टी है ना, पर ना मेरा कॉस्ट्यूम तो वेस्ट हो जाएगा। हाँ आज ही पार्टी है राशि। हाँ यहाँ से चलो राशि। देखो वैसे भी तुम्हें होटल पसंद नहीं था ना, मैं तुम्हें दूसरे होटल में लेके चल रहा हूँ ना। क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं, नहीं। क्या कह रहे हो तुम? अरे अभी तो यहाँ रुकने की बात कर रहे थे तुम। राशि मैंने कह दिया ना, तुम यहाँ से चलो, मैं लेके चल रहा हूँ ना तुम्हें। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? अभी तो कह रहे हो कि यहाँ रुकेंगे। एक्सक्यूज मी, हेलो सर। हेलो मैम। हेलो, मैं यहाँ की मैनेजर शीना हूँ, कोई प्रॉब्लम? नो नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम। मैं आज रात यहीं रुकूंगी, समझे? राशि तुम क्यों? सर आप ठीक हैं? मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नो थैंक्स। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इतना छोटा सा खाओ, ये किस कैलिबर की गोली हो सकती है सर? श्रेया, अगर गोली मारी होती तो घाव के आसपास का हिस्सा जल गया होता, लगता है किसी पतले बारीक तेज हथियार से मारा ऐसे। आप लोगों में से आखिरी बार वीरेन को जिंदा किसने देखा था? सर, हम सबने देखा। हाँ सर, वीरेन कुछ देर तक पार्टी में रहे और फिर वहां से अजीब तरीके से भाग गए। अजीब तरीके से भाग गए? एक्चुअली सर, उसने बहुत पी रखी थी और पता नहीं क्यों इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा था वो। सर, ये इसके बेल्ट में कुछ है सर। बेल्ट में? जो उठाओ सर। तो ये है इसकी मौत का कारण?
छत तो बुरी तरह जल चुका है। हाँ। ये देखिए सर, किसी बच्चे का खिलौना। हाँ, जब कोई बच्चा था यहाँ इस घर में, क्या क्या हुआ होगा यहाँ पर? हमें पता चल गया है कि वीरेन का खून किसने किया है, और वो खूनी तुम लोगों में से ही कोई एक है। और कुछ ही देर में एसीपी सर आकर खूनी को गिरफ्तार कर लेंगे। श्रेया, ये एक बहादुर ऑफिसर को किसने मार दिया? किसने मार दिया श्रेया को? तुम लोगों की इतनी हिम्मत तुम लोगों की कि एक सीआईडी ऑफिसर को मार दिया तुमने, श्रेया को मार दिया। सर, संभाल अपने आप को। कैसे संभालू मैं अपने आप को? श्रेया को मार दिया किसी ने। सर, सर एक मिनट। सर, सर, सर ये इसका पहले है सर। तुमने मारा श्रेया को? क्यों क्यों मारा श्रेया को? क्यों? नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे? मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर ये किसका है? ये पेन तो तुम्हारा ही है ना, तो फिर क्यों मारा उसे? एक सीआईडी ऑफिसर का कत्ल किया है तुमने। ये वीरेन जी इतना जल्दी कैसे आ गए? माँ, मेरी बच्ची, कैसे हो तुम? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, अपना नाम भी बदल दिया तुमने। ये किस हालत में रह रही हो तुम? नहीं मेरे पास रुपए पैसे नहीं है मेरे पास। मत रो, मत रो मेरी बच्ची, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मत रो। अक्षय, इधर आ बेटा, देख देख तेरी नानी आई है, इधर आ। गुड़िया रानी, अपनी नानी पास आओ बेटा, मैं तुम्हारी नानी हूँ। हार के सौदे के बारे में पता चला तो माँ दुखी हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि मैं वीरेन जी को फोन करके मना कर देती हूँ। चलोगी ना नानी साथ? माँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं बस 5 मिनट में आई। ठीक है, तुम जाओ, मैं हूँ ना अक्षरा के पास। जी। जी, मेरे घर से जाने के कुछ देर बाद ही वीरेन वहां आ गया। हार लेने के लिए उसने पूरा घर तहस नहस कर डाला। वीरेन को हार ले जाता देख माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी माँ को धक्का दिया और वो बेहोश हो गई। उसने पूरे घर में घासलेट छिड़क कर घर को आग लगा दी, जिससे मेरी माँ और बेटी मर जाए
और किसी को इस हार की चोरी के बारे में पता ना चले। वीरेन तुरंत नहीं मरा, उसके पेट में जो घाव था बहुत गहरा था। लेकिन उसने जो बेल्ट बांध रखी थी बहुत कस के बांधी थी, जिसकी वजह से घाव खुला नहीं, पर घाव से खून बह रहा था शरीर के अंदर, और नशे में होने की वजह से उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ, और इसीलिए वीरेन पार्टी में आया। पार्टी में आने के बाद उसने अक्षरा को देखा, जैसे अक्षरा को देखा वो डर गया, उसे लगा कि उसने अक्षरा की आत्मा देखी, बस वहीं से भागा हुआ अपने कमरे में गया, कमरे की खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, जैसे उसने बेल्ट खोल दिया जख्म खुली हो गई और खून जोरों से बहने लगा और कुछ ही देर में वीरेन खत्म हो गया। तभी हम में से किसी के समझ में ये नहीं आ रहा था कि खूनी ने खून करने के बाद वो कमरे से बाहर गया कैसे, जबकि खूनी ने अपना काम कमरा बंद होने से बहुत पहले कर दिया था। रति, तुम्हारी मां की मौत का दुख हमें भी है, लेकिन तुमने उसकी मौत का बदला लेना चाहा, और इस बदले की खेल में तुमने अपनी मासूम बेटी का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये नहीं सोचा कि उस बेटी का क्या भविष्य होगा, तुम्हारे पकड़े जाने के बाद उसके क्या हाल होंगे। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। तुम्हें तो शायद फांसी होगी, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।